जिले नमस्ते सलाम दोस्तों, आज मैं अपने छोटे से गांव में हूँ जो कि मेरा जन्म स्थल है उले टोकपो। ये लगभग 10 घरों का एक छोटा सा गांव है और आइए मैं आपको लद्दाख की खूबसूरती और ऐसे छोटे छोटे गांव की खूबसूरती दिखाता हूँ। बसंत ऋतु में पूरा लद्दाख फूलों में खिल उठता है, खासकर लोअर शाम वैली। ये आप जो देख रहे हैं वो एप्रिकॉट ब्लॉसम्स हैं, खुबानी के फूल। और ऐसे सुंदर ज़मीन को लोगों में बहुत चिंता है कि वो कहीं खो ना दे एक तरफ बड़े बड़े उद्योगों को, परियोजनाओं को, जो कि सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर्स लोगों से बिना पूछे ज़मीन को ले जा रहे हैं सरकार के साथ मिलके, और दूसरी तरफ खो ना दे भारत ऐसे सुंदर ज़मीन को विदेशी ताकतों को, चीन जैसे ताकतों को। तो इस बारे में लद्दाख के लोगों को बहुत चिंताएं सता रही हैं। एक तरफ वो बहुत नाराज़ हैं गृहमंत्री अमित शाह जी से, क्योंकि जो संरक्षण लद्दाख के इस ज़मीन को देने की वादा की गई थी तमाम इलेक्शंस में, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको पता है जब 4 मार्च को अंतिम बैठक हुई लद्दाख के नेताओं के साथ, अमित शाह जी के साथ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम आपको ना तो 6वें शेड्यूल में संरक्षण देंगे, जो उनका वादा था, ना ही आपको लोकतंत्र की बहाली यानी कि स्टेटहुड देंगे, और अगर प्रधानमंत्री जी भी मुझे लिख के दें तो भी मैं नहीं दूंगा, आप जो करना चाहे कर लीजिए। तो एक तरफ लगता है कि प्रधानमंत्री जी से कुछ ऐसी बात भी चली होगी उनकी, जहां प्रधानमंत्री जी ने ये देनी चाहिए कहा हो, क्योंकि उनका आदर्श, अगर वो भगवान श्री राम के भक्त हैं, तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए पर, शायद ध्यान उनका गया हो, तो उन्होंने शायद बात की कि इस वचन को हम पूरा करें, मगर अमित शाह जी के अहम और अहंकार ने इसे रोक दिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये कहा कि प्रधानमंत्री जी भी कहें तो मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे में हमारी उम्मीद है कि वो ऐसा लद्दाख के साथ ना करें जो उन्होंने खुद वादे किए हैं, जिसके बुनियाद पर इलेक्शंस जीते गए हैं, अब मुकर जाएं। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने एक और बात कही जिससे लद्दाख के लोगों के मन में ठेस पहुंची है। उन्होंने फिर हाल ही में असम में ये कहा कि लद्दाख में एक इंच भी जमीन चीन को नहीं गई है। तो फिर क्या हमारे चरवाहे, जो कि दुनिया के सबसे कीमती रेशा पश्मीना का उत्पादन करते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब हम 20-30 किलोमीटर से ही रोक दिए जाते हैं, अपने चरागों पर हमें जाने नहीं दिया जाता है। तो चाहे छुरा तरबूजे पे गिरे या तरबूजा छुरे पे गिरे, नुकसान तो तरबूजे का ही होगा, चाहे बड़े बड़े उद्योग ले जाएं या चाहे चीन ले जाए, हमारे ये चरवाहे तो अपनी ज़मीन खोए जा रहे हैं। ये उनका घर है, ये उनका खेत खलियान है जो खोए जा रहे हैं, और ये इतना ही दुखदायक है जितना मुझे इस गांव से अगर मुझे बेदखल कर दिया जाता, यहाँ से निकल जाओ तुम, हम ये बड़े उद्योगों को दे रहे हैं, ऐसा कहा जाता तो मुझे जितना दुख होता, वैसा ही दुख आज हमारे चांगपा समुदाय के चरवाहों को हो रहा है। तो एक तरफ तो हम अपनी ज़मीनें खो रहे हैं, और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसके ऊपर बहुत से नेता और उनके जो ट्रोल चट्टे बट्टे हैं, जो कि इन कमेंट्स में भी होंगे और कुछ वीडियोज़ में भी आपने देखा है, वो कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की ज़मीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए?